जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय, जहां पर राजस्व शिविर का शुभारंभ आज से हो गया है। बताया जाता है इस राजस्व शिविर में दाखिल खारिज, मोटेशन आदि संबंधित समस्याओं को लेकर प्रति माह के दूसरे मंगलवार को यहां पर शिविर लगाया जाएगा, जिसमें जमीन संबंधित सभी कर्मचारी CI CO उपस्थित रहेंगे। हालांकि आज शुरुआत का दिन था, जहां बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी, CI अशोक दास, अमर सिन्हा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बताया जाता है कि जमीन विवाद और जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर लोग परेशान रहते थे, जिसके समाधान को लेकर हर महीने के मंगलवार, दूसरे मंगलवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख मोदी बताएंगे, जो राजस्व शिविर जो आज से शुरू हुआ है, क्या है प्रक्रिया इसका और लोग कैसे इसका लाभ ले पाएंगे जनता? BNB को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग पंचायत समिति की बैठक में भी रखते थे कि हर एक सप्ताह कैंप लगे, ताकि गरीब गुरुवा जो जनता कम से कम दाखिल खारिज हो या मोटेशन हो या ऑनलाइन हो, तकलीफ ना हो। बहुत लंबा लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग सफलता पाए हैं कि DC साहब से भी यहाँ पे आवेदन आया है प्रखंड मुख्यालय में कि महीना में दूसरा मंथ मंगलवार को कैंप लगेगा और इसका दाखिल खारिज ऑनलाइन, जिनको जाति आवासीय का भी दिक्कत हो वो भी कर सकते हैं। जैसे कर्मचारी जिनको पेंशन करवाना हो, सैन के लिए तकलीफ हो तो सैन भी यहाँ पे कर दे रहे हैं। आज हम लोग का शुरुआत हुआ है। ये मैडम सिर्फ आवेदन ही लिए जाएंगे या उसका निष्पादन भी होगा? नहीं होगा फिर पूछा जाएगा, साथ के साथ होगा कि बाद में? आज तो आवेदन लिया जा रहा है, हो सकता है 15 दिन के बाद पूछा जाएगा। नहीं पूछेगा तो अगला महीना हम लोग पूछेंगे। निष्पादन होगा पंचायत समिति की बैठकों में भी हम लोग पूछेंगे। ये शिविर जो लगाया जा रहा है, कब, कैसे और कहां लगेगा, ताकि लोगों को लाभ मिल सके, जानकारी देंगे? जैसे कि उपायुक्त के आदेशानुसार हम लोगों को प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को शिविर का आयोजन करना है, जो राजस्व शिविर ही आयोजन होगा, जिसमें सभी तरह के राजस्व से संबंधित मामले का निष्पादन करने का आश्वासन प्राप्त हुआ है। हम लोग आज भी यहाँ पे शिविर का आयोजन किए, जिसमें से लगभग 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम लोग उसका जल्द ही निष्पादन करेंगे। ये राजस्व शिविर में कैसे कैसे मामले का निष्पादन होगा? इसमें दाखिल खारिज से संबंधित, ऑनलाइन लगान रसीद से संबंधित और पंजी 2 में ऑनलाइन छूट गया है उससे संबंधित, और ऐसे सारी समस्याओं का समाधान यहाँ किया। कौन कौन मौजूद रहेंगे शिविर में? शिविर में सभी राजस्व पूर्व निरीक्षक यहाँ रहेंगे, हमारी अंचल अधिकारी, सभी पंचायतों के, सभी हल्का के राजस्व पूर्व निरीक्षक रहेंगे और यहाँ पे आवेदन प्राप्त होगा उसका निष्पादन। आज राजस्व शिविर लगा हुआ है, यहाँ पर आज शुरुआत है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे कैसे मामले निष्पादन होंगे, जानकारी देंगे थोड़ा? आप जानते हैं कि जो साप्ताहिक बैठक के लिए लगातार जो पंचायत प्रतिनिधि थे, उनका ये सोच था कि अपने अपने पंचायत में जो पंचायत प्रतिनिधि को लोग कहते हैं कि हमारा ऑनलाइन ऑप्शन चाहिए, LPC में हमको चाहिए, हमारा रसीद नहीं कट रहा है, तो हमारा काम, छोटा छोटा काम नहीं हो पा रहा है। तो जो आप देखिएगा, जिस दिन हम लोग चुनाव हुआ था उस दिन ये घोषणा था कि इस सप्ताह आवेदन देंगे, अगला सप्ताह रिजल्ट पूछेंगे। तभी जब पूछ रहे थे, मेरे ध्यान में बात आया कि आप देखिए, ये जो आवेदन दिया, देखिए लगभग 30 आवेदन आया है, कोई 50 आज नहीं हो पाया, क्योंकि कल शाम को ही शुरुआत हुआ पता चला, तो 30 आवेदन आ गया। अगला महीना दिन के अंदर इसका डिस्पोजल हो जाना है, यदि होने लायक है तो उसको करके खत्म कर देना है, और अगला बार जब कार्यक्रम शुरू होने के पहले इसमें चर्चा होगा कितना आवेदन आया था, कितना मामला इसका रिसीविंग भी मिल रहा है। हाँ, सबको रिसीविंग मिल रहा है और रिजल्ट आज मिलेगा। जो साप्ताहिक हम लोग का बैठक चलता था, उस बैठक का ये इसका सिस्टम का मतलब महीना में एक दिन होगा। इस महीने में आवेदन दिए, अगला महीने हम लोग रिजल्ट लेंगे। अगर नहीं होने लायक है तो उसको दौड़ाए नहीं, साफ शब्दों में कह दें, जिस जमीन में विवाद नहीं है, विवाद है तो उसको हम लोग नहीं कर सकते। और जो पेपर का कमी है उसको बता दिया जाएगा कि पेपर कमी है, पेपर लाइए आपका काम, और छोटा छोटा समस्या का समाधान के लिए कैंप लगाने के लिए। कुल मिलाकर के जमीन संबंधित विवादित मामले का, विवादित नहीं, जिसमें विवाद नहीं, लोग जमीन के लिए पूरे प्रखंड क्षेत्र में त्राहिमाम कर रहे हैं, वैसे लोगों को सहूलियत आराम मिलेगा। बिल्कुल, और बैठेंगे उसमें पंचायत,
प्रमुख भी बैठे हैं। आने वाला टाइम में पंचायत का मुखिया को भी निमंत्रण रहेगा, सभी पंचायत समिति को निमंत्रण रहेगा, वार्ड के लोगों को रहेगा। सप्ताह में महीना में एक दिन आप आइए, अपना पंचायत का जो संबंधित कर्मचारी है, छोटा छोटा जो समस्या है समस्या कर्मचारी देख के बता देंगे, सीआई बता देंगे कि कोई दिक्कत है, बोल नहीं दिक्कत है, चलिए लीजिए, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सीओ छोड़ के बाकी सभी बता देंगे। सीओ आज देखिए कल्पना मैडम आ रही है, आप जानते हैं हम लोग वहां जाना था, वहां जा रहे हैं, वहाँ वो लोग गई हैं, बोल के गई हैं। तो आज शुरुआत है, अगला सप्ताह अगला महीना में ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सीओ सब रहेंगे, सब रहेंगे, सीओ भी रहेंगे, सीआई भी, देखिए सीआई बैठे भी हैं, कर्मचारी संबंधित कर्मचारी भी रहेंगे, और कंप्यूटर ऑपरेटर बगल में बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसका रिजल्ट मिलेगा। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।